बिल्डिंग पार्ट कोलैप्स हुआ मीरा रोड में, बोटवे एवेन्यू बिल्डिंग को खाली कराया गया। नेपाल के काठमांडू में हुआ बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश होने से 18 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश के चलते मुमरा के अमृत नगर में भरा पानी। रोड के खड्डों में कागज की बोट बनाकर मार्क करके मुंबई के पोर्ट होल को हाईलाइट किया कांग्रेस वर्कर ने, बीएमसी के काम की खोली पोल। महाराष्ट्र के सांगली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.0 रिचर्ड स्केल पर अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। शादी का झांसा देकर रेप किया महिला की कंप्लेंट पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। सीएसएमटी पर रेलवे स्टाफ की हुई डेथ, लॉन्ग जर्नी ट्रेन में कपलिंग लगाते हुए हुआ हादसा। जोगेश्वरी वेस्ट एसवी रोड ईई हाई टावर में लगी आग। आईएमडी ने मुंबई में तेज बारिश होने की संभावना जताई, येलो अलर्ट किया अनाउंस। एमएसईडीसीएल के इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया पालघर से। बीजेपी एनडीए सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन बजट में मिला स्पेशल फायदा। अजिंक्य नायक 107 वोट से जीते संजय नायक को हराकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेन रुकी, साइन माटुंगा के बीच ओवरहेड वायर पर बम्बू गिरा था, बड़े हादसा होने से बचा, लोग पटरियों पर चलते हुए आए नजर। किडनैपिंग केस को सॉल्व करके 30 साल के शख्स को रेस्क्यू किया पुणे से साउथ मुंबई की अल्टीमार्क पुलिस ने, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अजान की आवाज पर खामोश हुए, रुक गए विठल रुक्मणी पालकी ले जा रहे वारकरी, रत्नागिरी से आया वीडियो सामने। चेंबूर में पुरानी रंजिश के चलते दो ग्रुप में फाइटिंग, 1 की मौत हुई, 6 लोगों को गिरफ्तार किया मुंबई पुलिस ने। बीएसएनएल के ग्राहक बढ़े, एयरटेल जियो वीआई का मोबाइल रिचार्ज रेट बढ़ने से बहुत लोगों ने बीएसएनएल को अपनाया। 3,80,000 की ई सिगरेट, इम्पोर्टेड सिगरेट के साथ एक कार को जब्त किया थाने चितलासर पुलिस ने, एक शख्स को किया गिरफ्तार। विलेपाले वेस्ट से एक चौंका देने वाली खबर आई सामने, कचरे के ढेर में मिला न्यू बॉर्न बेबी। सलमान खान ने घर में हुई फायरिंग पर मुंबई पुलिस से कहा, लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे मारने की कोशिश की, सुबह 4:55 पर फटाके जैसी आवाज सुनाई थी। नवी मुंबई में बच्चे को जन्म देते समय नाबालिग की हुई मौत, नाबालिग को प्रेग्नेंट करने के आरोप में बॉयफ्रेंड के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज। अंधेरी वेस्ट में बीजेपी का फ्लैग गड्ढे में लगाकर मुंबई यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हरगुन सिंह ने किया प्रोटेस्ट। पाले वेस्ट एसवी रोड पर पेड़ गिरने की घटना सामने आई। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस ओटीटी 3 के अरमान मलिक और उनके पोस्को केस पर कटाक्ष किया। आदित्य ठाकरे ने रेलवे ट्रैक पर यात्रियों के चलने के विजुअल को लेकर भारत के रेल मिनिस्ट्री की आलोचना की।